students, in the lesson Coal and Petroleum, today we will start to study the coal. Coal is a fossil fuel that is black in color and hard. It is found in the deep mines under the earth's surface. Mainly in India, coal is found in Bihar, Jharkhand, West Bengal, Orissa and Madhya Pradesh. The slow chemical process of conversion of the dead vegetation, remains of the dead plants into coal under the influence of high temperature and pressure is called carbonization. Dead plants ka soil ki layers ke niche high temperature or high pressure ke under mein or in the absence of air carbon mein change hona carbonization kehlata hai. Coal banna carbonization kehlata hai. Is process ko होने में millions of years लगते हैं. जैसा मैंने आपको previous video में भी बताया कि coal और petroleum को produce होने में बनने में millions of years लगते हैं और earth के layers के नीचे ये high temperature और high pressure में जब ये एक बहुत लंबे time तक रहता है in the absence of air रहता है तब ये coal में और अगर ये water की surface में है तो पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है जब ये कोल में चेंज होता है तब हम इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बनाइजेशन इस प्रोसेस को होने के बाद जब कोल को हम निकालते हैं तो ये अर्थ के नीचे बरीड रहता है माइंस के अंदर और इसकी लेयर्स बन जाती हैं हम इसको डिग करके बाहर निकालते हैं व्हेन कोल इज हीटेड इन एयर जब भी हम कोल को गर्म करते हैं एयर में तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है बर्न होता है क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है बट इफ वी डू द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नाउ व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन Destructive distillation of coal. What is the meaning? The meaning is when we heat the coal in the absence of air or oxygen. जब हम coal को गर्म करते हैं बहुत high temperature तक और वहाँ पर air present नहीं है, oxygen present नहीं है, तब हम इस process को कहते हैं destructive distillation. When we heat the coal in the absence of air we get three compounds number 1 coke number 2 coal tar and number 3 coal gas along with these three one more ammonical compounds are also formed during this process अगर कोल का हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कोक मिलता है लेकिन साथ में कोल टार कोल गैस और थोड़े से अमोनिकल कंपाउंड्स भी मिल जाते हैं नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कोक कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो कोक मिलता है हमें ये 90% प्योर कार्बन है मींस जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है बहुत अच्छे फ्यूल की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 90% को 90% प्योर कार्बन है इसलिए इसके अंदर क्योंकि इंप्योरिटीज नहीं है तो जब हम इसको बर्न करते हैं एज अ फ्यूल तो ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है इसलिए हम इसको कहां कहां पर यूज कर पाते हैं नंबर 1 स्टील और यूजफुल रॉ मटेरियल बनाने के लिए
जिसमें आयरन और स्टील आते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पर आयरन और स्टील का यूज़ किया जाता है वहाँ पर हम कोक यूज़ करते हैं टू बर्न इन द फर्नेसेस। बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं वहाँ पर हमें फ्यूल चाहिए होता है जलाने के लिए, तो वहाँ हम कोक यूज़ करते हैं बिकॉज इट गिव्स मोर हीट इन कंपैरिजन टू कोल एंड एनी अदर फ्यूल। और कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले लेसन में बताया था, जहाँ पर कोई मेटल ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तब हम वहाँ से उसको निकालते हैं, और वो जहाँ से निकालते हैं हम उसको कहते हैं ओर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। जब हम मेटलर्जी का प्रोसेस करते हैं, ओर से किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पर कोक एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। नाउ व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स? रिड्यूसिंग एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो ऑक्सीजन को जल्दी से किसी भी जगह से हटा देते हैं। अब क्योंकि कोक एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये बहुत जल्दी एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। और हम कहाँ पर यूज़ करते हैं कोक? इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। प्रोड्यूसर गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर नाइट्रोजन गैस है तो ये प्रोड्यूसर गैस कहलाती है। और वाटर गैस, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस है तो ये वाटर गैस कहलाती है। तो दोनों गैसेस को बनाने में, प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस दोनों को बनाने में कोक यूज किया जाता है, क्योंकि इससे हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत जल्दी बना सकते हैं। अगर हम इसे कम सप्लाई ऑफ एयर के साथ बर्न कर दें तो इन प्लेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इट प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन ऐड करके हम प्रोड्यूसर गैस बनाते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस ऐड करके हम वाटर गैस बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस बनाने में भी कोक का यूज किया जाता है। नाउ नंबर टू इज कोल्टार। व्हाट इज कोल्टार? कोल्टार इज अ लिक्विड, विस्कस लिक्विड, ब्लैक कलर, विस्कस, चिपचिपा लिक्विड है, बहुत थिक लिक्विड है। आप लोगों ने कभी बहुत पहले टाइम में कोल्टार रोड बनाने में यूज किया जाता है, अब नहीं यूज किया जाता। अब कोल्टार की जगह पर हम एक दूसरा मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिटुमन। ये भी कोल्टार जैसा ही होता है देखने में, लेकिन ये कोल्टार नहीं है। कोल्टार को अब हम रिप्लेस कर दिया हमने, अब कोल्टार को हम रोड्स बनाने में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कोल्टार को हम और बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लाइक इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं है कोल्टार। कोल्टार के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? इसके अंदर है, अगर हम बात करें टॉलीन, इसके अंदर है बेंजीन, ये सब नेफ्थलीन, फिनॉल, ये सब ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इस कोल्टार के अंदर होते हैं। अब ये कोल्टार क्योंकि बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो हम इसे वेस्ट मटेरियल की तरह यूज़ नहीं करते हैं, और प्लस इसका यूज़ भी हम बहुत जगह पर कर लेते हैं। कोल्टार की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें बना भी सकते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, डाइज, नेल पेंट्स, कॉस्मेटिक्स। आपने देखा होगा फैब्रिक जो हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, बहुत सारी जगह पर डिटर्जेंट्स बनाते हैं हम, फाइबर्स बनाते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं, नेफ्थलीन बॉल बनाते हैं, रूफिंग मटेरियल बनाते हैं, रूफ जहाँ पर बनती हैं। तो इस तरह से हम कोल्टार को बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, इसलिए अब हमने रोड की सरफेसिंग में कोल्टार को यूज़ करना बंद कर दिया है। नेक्स्ट इज कोल गैस। कोल गैस इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ थ्री गैसेस। थ्री गैसेस, विच आर दीज थ्री गैसेस? दीज थ्री गैसेस आर मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों की ही कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है ये हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और ये बहुत अच्छा फ्यूल है। ये अच्छा फ्यूल है क्योंकि जितने भी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है,
तो इसीलिए अल्टीमेटली कोल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है और अच्छा फ्यूल माना जाता है। लास्ट इज अमोनिकल कंपाउंड्स। अमोनिकल कंपाउंड्स अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें कोल का, तो अमोनिकल कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। और ये अमोनिकल कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, अगर हम इनको अमोनिकल कंपाउंड्स में वाटर में डिजोल्व कर दें, इन कंपाउंड्स को वाटर में डिजोल्व करने पर हमें अमोनिया मिल जाती है और इस अमोनिया से हम नाइट्रोजन कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो इन कंपाउंड्स को भी हम यूज कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट व्हेन वी डू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, वी गेट दीज फोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दीज फोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच we get so many things, we can do solve our so many purposes. So destructive distillation, clear, this is the process of heating the coal in the absence of air, is called destructive distillation. जब हम coal का destructive distillation करते हैं तो हमें coke, coal tar, coal gas और ammonical compounds मिलते हैं, और इन सबको हम अलग अलग कैसे use कर सकते हैं ये मैंने अभी आपको